मैंने आपके लिए एक ऐसा 15-day प्लान बनाया है जिसको फॉलो करके एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिजाइनर आप अपने करियर में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं आपका दोस्त अंश मेहरा और आप देख रहे हैं इस फ्री कोर्स का आखिरी 15वां एपिसोड ऑफ फाउंडेशंस फॉर यूएक्स डिजाइन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज है जो हमेशा काम आती है और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिजाइनर सीखी है। मैं हूं अंश मेहरा, एक यूएक्स डिजाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम zuddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफी ज्यादा नए यूएक्स डिजाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स फिगर आउट कि आज हम क्या सीखेंगे। तो मैंने एक फ्री नोशन पेज बनाया है जहाँ पे मैंने एक 15 दिन का पूरा प्लान सेटअप किया हुआ है, हर दिन के लिए एक एक रिसोर्स होगा। अभी हम एक एक दिन के सिलेबस को फटाफट कवर करेंगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे पहली बार ही आए हो, आप पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हो, तो ये एक फ्री कोर्स है फाउंडेशंस फॉर यूएक्स डिजाइन जिसका आप लास्ट एपिसोड देख रहे हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि इससे पहले के जो 14 एपिसोड्स है वो भी देख लो। तो हियर इज द 15-day प्लान, ये नोशन डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब मैंने एक दिन के लिए एक रिसोर्स डाला है ना, तो प्लीज ये मत करना कि एक दिन में दो रिसोर्सेस पिक कर लो या स्किप कर दो या रिसोर्सेस को जंबल कर दो। इन रिसोर्सेस का ऑर्डर मैंने बहुत समझदारी से एक स्पेसिफिक तरीके से सेट करा है। एंड जो भी रिसर्च करोगे, जो भी उस दिन आप पढ़ोगे, प्लीज मेक श्योर यू मेक प्रॉपर नोट्स। ऐसे नहीं कि बस हवा में पढ़ लिया, कुछ भी देख लिया। तो डे वन पे हम बहुत ही बेसिक चीज सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि फिग्मा का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो वो फाइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फाइल स्ट्रक्चर को ठीक से नहीं डिसाइड करोगे तो एक ही पेज पे सारी की सारी लेयर्स और फ्रेम सब कुछ स्कैटर हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिटी फाइल है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देगी टू किक स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। डे टू में हम देखेंगे प्रोटोटाइपिंग प्रैक्टिसेस। ये फिग्मा का ही एक आर्टिकल है जहां पे दे टीच यू 5 वेज टू लेवल अप योर प्रोटोटाइपिंग स्किल्स। प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने बात तो करी है, बट इस पूरे कोर्स में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो मैंने सोचा कि ये एक रिसोर्स ऐसा है जिसको अगर आप ढंग से समझ लोगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक टिप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो जरूर आ जाएगी। डे थ्री पे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इट इज ऑन नेमिंग योर लेयर्स। तो जब भी हम कुछ डिजाइन करते हैं, यूजली क्या होता है, हम लेफ्ट साइड के लेयर्स पैनल पे ध्यान ही नहीं देते, उसका नाम ग्रुप 5, ग्रुप 1, फ्रेम 1, फ्रेम 2, यही सब पे छोड़ देते हैं। बट एक्चुअली में जब हैंड ऑफ होना होता है, हैंड ऑफ का मतलब कि जब डिजाइन वेबसाइट एक्चुअली बनती है या डिजाइन से एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है, आपको डेवलपर को अपनी फाइल्स देनी होती है, तो उसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि डेवलपर को समझ आ जाए कि कौन सी लेयर क्या है, कौन सी चीज का स्ट्रक्चर कैसा है। डे 4 पे मैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेबसाइट्स को रेकमेंड करूंगा, growth.design। तो क्या होता है कि ऑफकोर्स हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐप्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बट जब आप बिहेवियर्स को और कॉग्निटिव बायसेस को एक टर्म दे देते हो, डिफाइन कर देते हो, एक फ्रेज दे देते हो, तो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, उन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को इंड्यूस करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर अलग अलग मेंटल मॉडल्स है। आई वुड रेकमेंड कि आप एक एक मेंटल मॉडल को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। कोई ऐसा मेंटल मॉडल है जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगता है तो उसको कहीं डायरेक्टरी में रख लो, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, पहले मेंटल मॉडल्स समझाए, उसके बाद इन्होंने रियल एप्स, एक्चुअल केस स्टडीज में दिखाया कि ये एप्स इन सेम मेंटल मॉडल्स को कैसे यूज करती है। तो एज अ डिजाइनर इन मेंटल मॉडल्स को समझ के आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और डे नंबर 5 हम मटेरियल डिजाइन से सीखेंगे, गूगल से सीखेंगे। तो मटेरियल डिजाइन 3 की पूरी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड डे 5 में हम उनकी फाउंडेशंस पढ़ेंगे, एंड स्पेसिफिकली फाउंडेशंस के अंदर हम अडैप्टिव डिजाइन के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप अडैप्टिव डिजाइन खोलोगे तो यहाँ पे आपको इनकी एक डिजाइन किट मिलेगी जो इनकी फिग्मा फाइल है, आपको इनकी गाइडलाइंस मिलेगी, इनफैक्ट आपको पूरा लॉजिक मिलेगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसका डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, इनके ब्लॉग्स मिलेंगे, मतलब इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। एंड डे 6 में मैंने उनके
स्पेसिफिकली कलर्स को स्टडी करने के लिए रेकमेंड करा है। ये कैसे अपने कलर्स को डिफाइन कर रहे हैं, इन्होंने हर हेक्स कोड को कैसे नेमिंग दी हुई है, इनका स्ट्रक्चर क्या है नेमिंग का। डे 7 में हम iOS की गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो iOS के लिए इतनी बढ़िया रिसोर्स है developer.apple.com पे जाके जो उनके डिजाइन आर्टिकल्स है वो इतने वैल्यूबल, और बहुत कम लोग इस रिसोर्स का एक्चुअली में यूज उठा पा रहे हैं। तो मैं सोचा कि डे 7 पे इस रिसोर्स का डालना तो बहुत जरूरी है। डे 8 में हम कॉपी राइटिंग के बारे में सीखेंगे। पूरे कोर्स में हमने कॉपी राइटिंग को बहुत ही आई थिंक टच भी नहीं करा है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक्चुअली में कॉपी राइटिंग से आपकी जो ब्रांड की पर्सनैलिटी है, जो आपकी ब्रांड की एक यू नो एक वाइब होती है, वो निखर के आती है। इस वेबसाइट पर आपको बहुत से एग्जाम्पल्स दिखेंगे, छोटे छोटे कॉपी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉपी मतलब जो वो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपनी ऐप में, चाहे बटन्स पे हो, चाहे हेडलाइंस पे हो, चाहे एरर प्रॉम्प्ट पे हो, चाहे लोडिंग स्टेट पे हो। तो वो सिर्फ ये नहीं लिखते लोडिंग स्क्रीन या दिस इज एन एरर, वो उसी सेम चीज को एक बड़े मजेदार तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको इस ऐप में ऐसे बहुत से रेफरेंसेस मिलेंगे। फिर डे 9 पे हम फिग्मा की बेस्ट प्रैक्टिसेस समझेंगे। ये एक ऐसा पेज है जहाँ पे फिग्मा खुद अपनी वर्कफ्लो टिप्स डालते हैं, अपनी डिजाइन सिस्टम्स की टिप्स डालते हैं, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। ये तो कमाल का रिसोर्स है। पर इसके भी एक टॉप लेवल का रिसोर्स डे 10 पे आपको मिलता है, विच इज figmalion.com। आई होप मैं इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इस एक वेबसाइट पे आपको फिग्मा के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपको न्यूज़लेटर है, आर्टिकल्स है, ट्वीट्स है, पॉडकास्ट है, वीडियोस है, सब कुछ एक जगह है। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं। आपको कहीं भी अगर फिग्मा के बारे में कुछ भी सीखना है, आप इस वेबसाइट पर जाओ। अगर आपने ये कवर कर लिया, इसके बाद आपको किसी और चीज की नीड नहीं पड़ेगी। अब जैसे जैसे हम डे 11 पे आते हैं, हम डिजाइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो डे 11 पे ये एक ऐसी वेबसाइट है heydesign.systems, जहां पे एक क्यूरेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसमें आपकी रीडिंग लिस्ट है, आपकी वॉच लिस्ट है, बहुत सी चीजें हैं। आपको यू नो जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो आप देख सकते हो। बट बेसिकली यहां से अब आप डिजाइन सिस्टम्स को पढ़ना शुरू कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली एक बहुत बड़ा डिजाइन सिस्टम खोलोगे तो आप इंटिमिडेट हो जाओगे, डर जाओगे। इट इज बेटर कि कोई प्रैक्टिकल डिजाइन सिस्टम देखने से पहले आप एटलीस्ट इस रिसोर्स को यूज कर लो। अब हाँ, जब आपकी बेसिक थ्योरी हो जाए, तो डे 12 में हम designsystemsrepo.com पे जाके एक्चुअल डिजाइन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। तो इस पे एक पूरी गैलरी बनी हुई है इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आप बहुत से डिजाइन सिस्टम्स को स्टडी कर सकते हो। सिर्फ ऊपर ऊपर से देख पाओगे, क्योंकि अभी तो आपने बिल्कुल शुरू ही करा है, तो थोड़ा सा स्कैरी लगेगा, बट एक एक्सपोजर हो जाएगा कि वाह, ऐसे भी लोग डिजाइन सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इतने सारे डिजाइन सिस्टम्स है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, इतने सारे नॉमेनक्लेचर्स है, और मैं सबसे सीख सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन इजिली अवेलेबल है। डे 13 पे हम डिजाइन सिस्टम के लेवल पे नहीं, बल्कि कंपोनेंट लेवल पे सीख रहे हैं। तो कंपोनेंट लेवल्स का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करे, आप अगर component.gallery पे जाओगे, इसमें डिजाइन सिस्टम्स की गैलरी में जाओगे और किसी भी एक कंपोनेंट को क्लिक करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये स्पेसिफिक कंपोनेंट बाकी डिजाइन सिस्टम्स में कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। तो आप इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करोगे और फिर आपको रियलाइज होगा कि ये इनपुट फील्ड मल्टीपल डिजाइन सिस्टम्स में कैसे डिक्लेयर्ड है, मल्टीपल डिजाइन सिस्टम्स ने इस सेम प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करा है। जब आप इस रिसोर्स को खोलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस पर कितना कुछ है सीखने को। डे 14 पे मैंने designsystems.com को इंक्लूड करा है, क्योंकि इस वेबसाइट के आर्टिकल्स आज भी जब मैं वापस जाता हूं तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखता ही सीखता हूं। लास्ट डे पे डे 15 पे मैं चाहता हूं कि आप एक पर्सन को 100% फॉलो करो, एंड दैट पर्सन इज डैनी सेपियो। आई होप मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट dansepio.medium.com पे आप डैनी के मीडियम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, विच आर अमेजिंग। मतलब मैं बहुत मीडियम आर्टिकल्स पढ़ता हूं, बट जिस लेवल की वैल्यू मुझे इनके मीडियम आर्टिकल से मिली है, शायद ही मुझे किसी और आर्टिकल से मिली होगी। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, सारे आर्टिकल्स पढ़ डालो, आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी वैल्यू कहीं पे मिल ही नहीं सकती। तो ये 15 डे का प्लान का मतलब ये नहीं था कि 15 दिन में आप कोई जादूगर बन जाओगे। इसका इंटेंट ये था कि अब अगले 6-7 महीने जब आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो आपको पता होगा कि अगर मुझे डिजाइन सिस्टम्स की प्रॉब्लम आ रही है, अगर मुझे मेंटल मॉडल्स की प्रॉब्लम आ रही है, अगर मुझे स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कहाँ ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि आप समझो, मैंने अब आपको 15 दरवाजे दिखा दिए कि भैया ये 15 कमरे हैं, हर कमरे का ये पर्पस है। तो अगले 6-7 महीने में जब भी आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम पे अटकते हो, तो आपको पता होगा कि मुझे कौन से कमरे में, कौन से दरवाजे में जाना है। मूविंग ऑन, आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि अभी तक की जितनी भी वीडियोज है, प्लीज उनको एटलीस्ट 2 बारी जरूर देखना, एंड यू विल रियलाइज दैट यू विल कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी टाइम यू सी द सेम वीडियो। अगर मैंने किसी वीडियो में कोई आर्टिकल मेंशन करा है और आपने वो अभी तक आर्टिकल नहीं पढ़ा है, आई वुड रेकमेंड यू टू गो बैक एंड वॉच देम। मैं चाहता था कि बिफोर आई स्टार्ट ये प्रैक्टिकल चीजें एंड यू नो एक्चुअल ऐप का काम, I wanted you to understand कि मैं सोचता कैसे हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करता हूँ, मैं अपने टाइम को कैसे हैंडल करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ें हैं।
तो अब क्योंकि अगर आपने वो फाउंडेशनल चीज़ें समझ ली है, अब मैं रेडी हूँ आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल यूआई डिज़ाइन सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल यूएक्स डिज़ाइन सिखाने के लिए। तो उसकी वीडियोस जल्द आने वाली है, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर आपको हमारे कोर्स से कुछ भी फ़ायदा हुआ है, आई वुड रिकमेंड यू टू सेंड अस एन ईमेल ऑन anshmehra2498@gmail.com। हम अपने इंस्टाग्राम पे काफी सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स को फीचर कर रहे हैं। प्लीज सेंड मी एन ईमेल एंड वी विल रीच आउट टू यू आपके टेस्टिमोनियल के लिए। आई होप दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा एंड यू आर वॉचिंग द फाउंडेशंस फॉर यूएक्स डिजाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।